एवरीबॉडी, आज है हमारे गोलू भैया का बर्थडे। आप सभी ने नाइट सेलिब्रेशन तो देखा ही, उस चक्कर में हम सभी सोए हैं 2:30 बजे और उठ रहे हैं 9:10 पे। और टाइमिंग दिखाती हूँ, 9:10 9:15 बजे हैं। अच्छा गोलू भैया, तो हाँ गोलू भैया, लल्ला उठ गया था 6 बजे। हाँ ये 6 बजे उठ के मामी के साथ चाय पी के आ चुका है, मामा जी सबको जगा के है ना, सब कुछ ये कर आके आ चुका है और हम उठ रहे हैं लेट। यानी मैं उठ रही हूँ लेट, मम्मी ने चाय पिला दी है मुझे। हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ नहीं तो इतना ज्यादा इसने बोल बोल के मुझे डिमोटिवेट कर। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि ये इसका बर्थडे जब भी आता है सबसे पहले बारिश जरूर आएगी और उसके बाद बर्थडे मतलब इसका सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। यस। और जब ये हुआ था जिस दिन, उस दिन इसकी अगर दादी चाचू देख रहे हो ये वाला ब्लॉग तो याद होगा कि इतनी आंधी तूफान थी ना उस दिन भी कि बेचारा डॉक्टर भी नहीं डॉक्टर नहीं आ पाया। हाँ ये पूरा दूध की बॉटल लाऊं या फिर आप ऐसे ही उठ जाओगे? ऐसे लेटा कुछ कुछ पूछा था कल, इसको निकलना भी है। तो अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अच्छा चुप हो जाओ। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू बने रहे, बिना स्किप कर किए हुए ही हमारा ब्लॉग देखा कर ले। यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ, सब भी नहा चुके हैं ऑलमोस्ट, और बाल भी धो लिए मैंने, ऑयलिंग की थी, स्टिल बाल धो चुकी हूँ बिकॉज आज बर्थडे था तो तेल लगा के अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी 4 घंटे हो चुके थे, अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 1:10 हो रहे हैं। टाइम भी नहीं देखते हम बिकॉज टाइम नहीं है। और यहाँ आनी को दिखाती हूँ मैं, आनी जस्ट नहाई है। गोलू भैया क्या कर रहे हैं? गोलू भैया पढ़ाई कर रहे हैं। पर आज गोलू भैया बहुत अच्छे लग रहे हो येलो में। थैंक यू। आज तो बर्थडे है गोलू भैया का, हैप्पी बर्थडे। एक ही प्राणी जो अभी तक नहीं नहाए हैं वो है पापा जी। पापा जी अब आप नेक्स्ट हो, जल्दी से नहा लो। हाँ सूर्य देवता आ गए हैं, मैं नहाने वाला हूँ अभी। बिल्कुल, अपने शरीर मन तो मेरा स्वस्थ है, शरीर स्वच्छ करने जा रहा हूँ। नहा चुकी? बिल्कुल, नहा के पूजा कर लिया। हाँ और खीर बना रहे हो? खीर बना रहे हैं मम्मी, इतनी सारी खीर बिकॉज आज आने वाले हैं चंगू मंगू। मामी आएंगी, सब आएंगे, इसलिए खीर बन रहा है। यहाँ है पनीर रखा हुआ और गोलू की डिमांड है कि मम्मी आज बनाओ आप शाही पनीर, तो गोलू की डिमांड पे हम शाही पनीर बनाए। हम क्या, मम्मी बनाएंगी शाही पनीर। और ब्रेकफास्ट हो चुका है, लंच करेंगे। लंच में क्या बनाया मम्मी? नमकीन चावल विद दही। चलिए कर ले। यहाँ पे दीदी बना रही हैं बेल का शरबत। किसके लिए? गोलू मम्मी के लिए। गोलू पिएगा हमारा बेल का शरबत ताकि इस जून में इसका दिमाग थोड़ा ठंडा रहे। पहले अपना ठंडा कर लो। गोलू का फेवरेट भी बन रहा है, देखो। गोलू का फेवरेट क्या बन रहा है? शाही पनीर। शाही पनीर, अच्छा। और पनीर कट कर रही हूँ। मसाला प्रिपेयर कर लिया मम्मी ने, ठंडा हो गया। इसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पे डली हुई है, आप सभी जरूर चेक करें। जो कि दीदी लिंक नहीं डालेंगी। अरे डाल देती हूँ मैं, नहीं डालेंगी, डाल दूंगी पक्का। आप सभी को भी कैसा लगता है जरूर बताना आप सभी, और कैसे बनाते हो आप? मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, इसको फोड़ के और सारा निकाल देती हूँ। और यहाँ पर पनीर कट हो चुके हैं, तो शाही पनीर का मसाला ऑलमोस्ट हो गया, इसको हम बंद कर देंगे। क्या खाया जा रहा है? अच्छा खत्म हो गया। मस्त बना था,
सब खत्म हो गया तब मुझे याद आया कि रिकॉर्ड कर लूं। पनीर टिक्का कैसा लगा गोलू भैया को? और ये किसकी फरमाइश थी? एनी की फरमाइश पे बनाया था पनीर टिक्का थोड़ा सा बच्चों के लिए। और यहाँ पर बच्चों के पापा को देख लीजिए, जरा नहा धो के कपड़े भी नहीं पहने और एसी में बैठ के एसी का आनंद लिया जाए। आन्या की फरमाइश पे बना है ये देसी पनीर टिक्का देसी स्टाइल में। है मामी की एंट्री। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? मस्त, हम बहुत अच्छे हैं। रहने भी चाहिए। हाँ जी, दिखाते हैं सब चोरे अभी। पहले चाय ही बना लेते हैं, उसके बाद उठाएंगे सबको। अब मामी को चाय पिलाऊंगी मैं। क्यों मामी? मैं बहुत वेट कर रही थी। मम्मी लगी हैं पकोड़े बनाने में। बच्चे आए और डांस इतना कर रहे हैं ना वो कि ये थक गए होंगे। बिना डांस बिना म्यूजिक के कोई सेलिब्रेशन यहाँ होता ही नहीं है। और इतना हम डाल नहीं सकते आप लोगों को दिखाने के लिए क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बर्थडे का व्लॉग हम डाल रहे हैं और कॉपीराइट डिलीट, 3 बार डिलीट किया हुआ है मैंने एक बार अपना बर्थडे व्लॉग। तो मम्मी बना रही हैं पकौड़े आलू। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हम दोनों कैसे लग रहे हैं जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। चलो एक और गेम करेंगे बर्थडे बॉय के बारे में, दो अच्छी बातें दो बुरी बातें जल्दी इंस्टेंटली। दो अच्छी बातें कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, सबकी बात मानता है, घर में कोई भी कभी भी आवाज लगाए गोलू तो ही इज प्रेजेंट ऑलवेज। इससे बड़ी अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। और बुरी बात क्या है कि मेरे घर आने पे ये मुंह बना लेता है, मामी आ गई हो जाओगी कब। मजाक मजाक में करते हैं क्योंकि मेरे को नहीं लग, मेरे पास कोई बुरी बात नहीं है। गोलू कोई बुरी बात नहीं है, उनको बुरा सुनना है। मैं सुनूंगी बुरा।
चलो आप बताओ। अच्छी बात है कि ये मेरे भाई है, बुरी बात भी यही है कि ये मेरे भाई है। ये क्या था, इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा। ये मेरे भाई हैं क्योंकि मेरे को बहुत प्यार करते हैं और ये मेरे भाई हैं। हाँ, बहुत मारते भी हैं। बहुत मारते भी हैं। आप बताओ, अच्छी है बुरी बात? अच्छी बात है कि इतना पढ़ते हैं सुबह से लेके और सबकी बात मानते हैं। बुरी बात है कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये सही कहा है इन्हें। आप बताओ। अच्छी बात है कि ये मुझे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा और खेलते हैं मेरे साथ, मेरे घर पे आते हैं। और बुरी बात है कि ये चिड़ बहुत जल्दी आते हैं। मतलब गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है ना। ओके, दो अच्छी बातें हैं, दो तो नहीं इसके अंदर सारी ही अच्छी बातें हैं। हाँ। बुरी मैं एक चीज बोलूंगी। हाँ। कि हर चीज इसका अच्छा है, कोई भी चीज इसकी बेकार नहीं है। मगर बुरी क्या है, खाने के टाइम में कुछ भी दूंगी ना। हाँ। तो पहले ऐसे करके सूंघ लेगा, सूंघेगा, जो कुत्ते भी सूंघते हैं। बुरी एक ही बात है, बाकी हर चीज खाने पीने में बहुत नखरे करता है ना। ये एक चीज बुरी है। मैं मिला के सब कुछ खिला दूं तो इसको पता नहीं चलता करेला खाया या क्या खाया। पर चीज बताना चाहूंगी, मुझे कोई नहीं खिलाता। मुझे कोई नहीं खिलाता, ये खा लेती है। गोलू को खिलाते हैं ये सब। मैं इसे अभी तक खिला देती हूँ, गोलू को तो खा लेता है, इसीलिए कि वो सूंघ सूंघ के खाता है। ऐसे मजाक था ये। मैंने तीन या चार साल तक सिर्फ मम्मी के हाथ से खाया, वो भी मीठा। मैंने कभी नमक नहीं खाया। हाँ, चार साल की थी मैं, सिर्फ मीठा खाया मैंने। ऐसा कहते हैं कि ग्लोब तो है हमारे पास, तो 10 सेकंड्स मिलेंगे, एक कंट्री बोली जाएगी और उसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, आर यू रेडी? दिमाग वाले के भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। एक तो गेम ऊपर से दिमाग वाला मेरा भाई है, हम गेम की तरह खेलेंगे। ये क्या हमेशा पढ़ाई करते रहो। बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग। और क्या कहते हैं, और गेम की तैयारी हो रही है कोई? पहले तो डांस करके थक गए थे। तो ट्रूथ एंड डेयर एग्जाम हो गया। बहुत फिर से बहुत क्रंची क्रंची है ना। हाँ बताओ बताओ। ये है, पहली तो ये है कि बहुत अच्छा है, ये सबकी बात मानता है, सबकी बात सुनता है। पकौड़े जरा देख लेना मैडम जी, जल जाएंगे। अच्छी बात ये है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा सबसे अच्छा भाई है। ठीक है, गंदी बात ये है, इसको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है। पहले आजकल आजकल ना आजकल इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है कि मुझे कई बात पे तो ये अंदर से रोना देता है। बाहर से रोना नहीं आता, अंदर से रोना। जैसे, जैसे मैं कुछ कहूंगी, भाई तेरे पिंपल निकल रहा है यहाँ पे। नहीं तो बेटा, पिंपल के ऑपरेशन ऑपरेशन कर। नहीं बेटा, आप ऑपरेशन करते हो पिंपल्स का। मैं पॉपअप कर देती हूँ ऊपर से। दूसरी बुरी बात ये कि मैं सुबह ना उठूँ तो पूरे दिन मुझे ताने सुनाता है। सुबह क्यों नहीं उठते, उठना चाहिए। इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा है ये, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं। दो गज दूरी मास्क है जरूरी। दो गज दूरी चुम्मी है। हम खेलने वाले हैं ट्रूथ एंड डेयर, क्योंकि आप सभी को आन्या के बर्थडे में ये बहुत अच्छा लगा। सारा इसने लिखा है। हाँ, मगर हम इसको अपना पर्सनल अलग देंगे, इसका कोई ठीक नहीं है। तो उठाऊंगी तो उसमें से ही मैं। तो ट्रूथ एंड डेयर में से हमने ट्रूथ को निकाला है साइड, क्योंकि आजकल सच कोई नहीं बोलता, सब झूठे हैं, सब झूठ है। ठीक है, तो हम डेयर डेयर लेंगे। सब मोम आया है ना, ये तो स्टेटमेंट ही मत बोलो बस। तो चलो ट्रूथ एंड डेयर। चलो, आपको मेरे बेटे का व्लॉग कैसा लग रहा है सबसे पहले तो ये बताना। हाँ। और सभी ने विश किया है इसके लिए थैंक्स। हाँ, तो बोलो। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज के व्लॉग में इतना सारा प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, बहुत ज्यादा, इसके लिए दिल से थैंक यू। और अब हम आगे खेलते हैं। गोलू थैंक यू बोल दो। थैंक यू सबने। गोलू भाई, गोलू भैया, गोलू भैया, भैया में भैया गोलू भैया बन चुके हैं हमारे। हाँ। और दूसरी बात ये कि आज केक नहीं कटेगा।
क्योंकि एक भी शॉप नहीं ओपन है। चलो वो कोई बात नहीं, पहले गेम खेल लेते हैं। ओके गेम खेल लेते हैं। इतना बड़ा फैसला मोदी जी ने लिया है, 12th के बोर्ड कैंसिल। तो केक जो कल रात को मैंने बनाया था उसके बाद 2.5 घंटे मेहनत करने की मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हो रही थी। तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकबक नहीं रहते। पहले कौन उठाएगा? केशु का फुल मेकअप करना है, लाइनर और अरे लगाने दो तो केशव। नहीं लगाना, अरे यार लगाने मर्जी है, लगाने दे के लिए। ये तो तू ना बैकग्राउंड म्यूजिक उसका डेर था, मैं क्यों करूं? बहुत अच्छी कोशिश बहुत अच्छी। गोलू भाई जी को नानी नेल पेंट लगाना है। चलो गोल भाई। डकार लेनी है। नहीं नहीं वॉमिटिंग हो जाएगी। नहीं मैं 5 ग्लास पी लूंगी। ये लो पानी। किटन मम्मी देखना नहीं है, सिर्फ उठाना है। एक बार दिखाओ। माँ के पैरों को किस करना है 10 बार 5 each। जल्दी से करो, मतलब 5 बार। माँ को किसकी लेनी है 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 probability बनी थी। अरे बंधा वाला कितना अच्छा आया था, जैसे लगाना है की निकालनी है और खुद लगाना है। कहाँ गई? सही आ रहा है। यहाँ पे हमारा डेयर कंप्लीट हो गया और यहाँ आए हैं बड़े मामा। आप लेट क्यों हुए? लॉगिन था भाई। चलो आ जाओ। मैंने बोल तो दिया था, उन्होंने भी बोल दिया था 7 बजे चले जाना, लेकिन मैं कुछ कर रहा था तो 8 बजे। कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ वैसे हुआ नहीं, हम गेम ही खेल रहे थे। और मम्मी सर्व करते हैं। बच्चों को भूख लग गई है कि हमें खाना दे दो, तो मैंने कहा खाना खा लो। नहीं कर दे दो, मैं पानी नहीं पी सकता। नहीं मेरे लिए वो टास्क था, मैं सोचा कर लूँ। वैसे तो नॉर्मल लोगों के लिए कि गर्मी में पानी पीना। और इसी के साथ मामा जी के लिए yes, बेल का शरबत और बचा हुआ मैं पीऊंगी। हाँ बेल का शरबत मैंने जो आफ्टरनून में बनाया था तो थोड़ा सा बचा के रखा था मैंने मामा जी के लिए। मुझे आते भूख लग गई है। बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी। आपने लिया? अमेजिंग। अगर ये एकदम फ्रेश किया होता ना तो इससे भी एनहेंस्ड टेस्ट रहता है इसका। सब्जी का बता ऐसे ही था। सब्जी का ना सब्जी सही है, अच्छी है। मम्मी सही है आपका, आपकी मेहनत सफल हो गई। आज आपने क्या पूछा था? क्या बेटे को क्या चाहिए? क्या चाहिए बेटे को? मैंने कहा बेटे को शांति चाहिए और बिटिया को आनंद चाहिए। और मैं पूछ रही हूँ बेटा क्या लेगा, तो क्या लेगा? मैंने कहा बेटे को शांति दिलाओ, शांति पसंद है बेटे और बिटिया को आनंद पसंद है। ये है हमारे घर की कहानी, समझ रहे हैं आप लोग? आजकल के बच्चे
lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.